गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन में क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड्स आर रिड्यूस्ड to aldehydes by passing H2 gas through boiling xylene solution of acid chloride in presence of palladium। क्या होता है पैलेडियम? पीडी कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर बैरियम। क्या होता है बैरियम सल्फेट? BaSO4 एंड पार्शली पॉइजन by addition of sulfur। ठीक है, तो रोजनमंड रिडक्शन हमारा होता है एसिड क्लोराइड आर रिड्यूस टू एल्डिहाइड। हमारे जो एसिड क्लोराइड होते हैं बेटा, वो रिड्यूस हो जाते हैं एल्डिहाइड में बाय पासिंग H2S गैस थ्रू द बॉइलिंग ज़ाइलिन सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन, एसिड क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट? पैलीडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर बैरियम सल्फेट एंड पार्शली पॉइजन बाय एडिशन ऑफ सल्फर। तो रिएक्शन कैसे दिखेंगे, क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है और क्या किससे बनाना है, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड COCl RCOCl बाय पासिंग H2 गैस बॉइलिंग ज़ाइलिन सॉल्यूशन PD कैटलिस्ट बैरियम सल्फेट एंड सल्फर। तो हमारा क्या बन जाएगा, और इधर से हमारा क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, RCO एक H इधर आ जाएगा और हमारा क्या निकल जाएगा, HCl। तो हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। एग्जांपल देखें, CH3COCl प्लस H2 सेम ऊपर वाला CH3COH और इधर से HCl। तो ये थी तुम्हारी रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, अगर हम ये पूछें कि इसमें जो BSO4 बैरियम सल्फेट और हमने सल्फर क्यों ऐड किया है, क्यों, क्योंकि जो ये दोनों जो एडिशन है बैरियम सल्फेट और सल्फर पॉइजन्स का पैलेडियम कैटलिस्ट से, ये क्या करते हैं, हमारा फर्दर रिडक्शन नहीं करते एल्डिहाइड को अल्कोहल्स में। तो लिख लेना, नॉट एडिशन ऑफ BSO4 बी बैरियम सल्फेट एंड सल्फर पॉइजन्स द PD पैलेडियम कैटलिस्ट एंड दस डजंट परमिट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल्स। क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, इससे हम सिर्फ क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड ही प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, और फॉर्मल एल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसमें क्या होता है, फॉर्मल जो एल्डिहाइड है वो प्रिपेयर हमारा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मल क्लोराइड है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो नोट डाउन कर लोगे क्या, फॉर्मल एल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड
बाय दिस मेथड. क्यों? बिकॉज फॉर्मल क्लोराइड लेना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि अगर सी एच थ्री ले लोगे तो यहाँ पे तो एक कार्बन फिर आ जाएगा, दो कार्बन आ जाएंगे. तो फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी एच ओ. तो हमें यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा? अल्काइल ग्रुप की जगह एच लेना पड़ेगा. और जो फॉर्मल क्लोराइड होता है हमारा, फॉर्मल क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे बेटा. फॉर्मल क्लोराइड एच सी ओ सी एल इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. क्लियर? तो ये थी आपकी रोजनमन रिडक्शन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो हमारा क्या कहता है, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो हमारे मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, एल्डिहाइड हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दो रीजंस की वजह से. फर्स्ट हमारा रीजन क्या आता है? स्टीरिक इफेक्ट. और दूसरा हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. तो स्टीरिक इफेक्ट हमारा क्या बोलता है? जो हमारे बेटा एल्डिहाइड होते हैं, सबको पता है एल्डिहाइड हमारा एक साइड तो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं और दूसरी साइड कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप होगा. ठीक है, और जो हमारे कीटोन होंगे वो हमारे किससे जुड़े होंगे? अल्काइल ग्रुप से जुड़े होंगे कीटोन. और एल्डिहाइड एक हाइड्रोजन से और एक अल्काइल ग्रुप से. ठीक है, तो जो हमारा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे वो किस में ज़्यादा होगा? देखो, जैसे अगर हम इसका अटैक कराएं और अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगी उससे क्लियर हो जाएगा. पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड. देखो, आर सी ओ एच, और मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया. ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियो ये लिख लेना इधर एल्डिहाइड. कोई मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड कराया तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड, और इधर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, इधर एच, और इधर क्या था? आर. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजिशन स्टेट. और वैसे ही करूँ तो न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और ये एच, और ये आर. ठीक है, तो अब देखो इधर जो हमारा एल्डिहाइड था, कोई भी आके न्यूक्लियोफाइल, किसी ने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया हमारा कार्बोनिल कार्बन पे, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी. ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कोई भी अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन से, इंक्रीज होगा, तो हमारा वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा. किस चीज़ को बढ़ा देगा? स्टीरिक इफेक्ट को बढ़ा देगा. ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया तो हमारा क्या हो गया? ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और इंडक्टिव इफेक्ट भी कम है. क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस किसकी है? सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप की और एक ही हाइड्रोजन एटम है. बट अगर हम कीटोन का केस लें तो कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे. अगर दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप, बिग टू एल्काइल या फिर टू बिगर ग्रुप्स. तो हमारी स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन जो स्टेट है हमारी कम स्टेबल हो जाएगी. ठीक है, और स्टेबिलिटी जो ट्रांजिशन स्टेट की है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो इतना समझ में आया? ये तो हमने लिया था किसका? एल्डिहाइड का भी क्लियर हो जाएगा. तो एल्डिहाइड में लिख लेना, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस
स्टीरिक हिंड्रेंस एंड लेस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, अगर हम कीटोन का केस लें, आर सी आर ओ न्यूक्लियोफाइल, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब दो एल्काइल ग्रुप हो गए, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज लेस स्टेबल ड्यू टू मोर स्टीरिक हिंड्रेंस एंड मोर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतना समझ में आ गया, स्टीरिक इफेक्ट में हमने क्या किया, एल्डिहाइड में हमारा एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और एक साइड हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो हमारी टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और हमारा क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम। बट एज इन द केस ऑफ कीटोन, टू एल्काइल ग्रुप्स अप्रोचिंग एंड दैट्स वाई देर इज मोर स्टीरिक हिंड्रेंस एंड मोर इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स ट्रांजिशन स्टेट इज लेस स्टेबल, सो दैट एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में अगर लिखना चाहो कि इन एल्डिहाइड्स कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल ग्रुप, ऑन द अदर हैंड इन कीटोन्स द कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू टू एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन ट्रांजिट स्टेट्स बिकम टेट्राहेड्रल विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बता देना। फिर आता है सेकेंड इफेक्ट हमारा कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर, अब ये तो क्लियर ही हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो एल्काइल ग्रुप्स हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, कीटोन में हमारे क्या होंगे, कीटोन में हमारे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, जो हमारी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बोनिल कार्बन की कम कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको कम बना देंगे एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो उसे क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। ठीक है, और फिर इन कीटोन्स टू एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एंड मेक इट लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है, सो द न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू अटैक मोर रैपिडली एट हायर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड लेस रैपिडली एट कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। देखो इधर, एल्काइल ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो क्या करेगा, ज्यादा कर देगा और इधर ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज reduced due to two alkyl groups। तो समझ में आ गया, alkyl groups are electron releasing in nature and two alkyl groups attached to the carbonyl carbon of ketone and decrease the electron deficiency and make it less electron deficient as compared to aldehyde that is higher electron deficient carbon। ठीक है, तो ऊपर वाले फैक्ट से हमें क्या पता लगा कि हमारे एल्डिहाइड ज़्यादा
क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर हम अगर ऑर्डर देखें तो क्या आएगा, ये पहले भी बताया था मैंने, फॉर्मल एल्डिहाइड जिसमें एक ही हाइड्रोजन होता है, अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और फिर एल्डिहाइड और फिर कीटोन्स। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रिएक्टिविटी। क्लियर, थैंक यू।